हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का प्रश्न पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप इससे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये कक्षा दसवीं है ना। दसवीं का अर्थशास्त्र है ना, ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया, इसको ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट वीडियो जो है ना, वो अपलोड हो चुका है। ठीक, इसमें प्रश्न क्रमांक 22 से 26, 27 तक बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करा रहा हूँ हिंदी मीडियम में। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड हो जाएगा। यदि आपको PDF इसका चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका कुछ चार्जेस लगता है, 300-400 रुपये तक। सारे सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ मैं, एक सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ। आप 5 विषय लिए होंगे या 3 विषय लिए होंगे तो 3 से 5 सब्जेक्ट का 300-350 रुपये चार्जेस है दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो से भी आप कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उत्पादन के 4 साधनों को संक्षेप में लिखिए। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। पहला है भूमि। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द बड़ा व्यापक अर्थ है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि ने कहलाती, वरन पूरे भूभाग को भूमि कहते हैं। ठीक है, सब मनुष्य द्वारा धन उत्पादन किया जा सकता है। यदि कोई श्रम करता है तो साबुन बनाने की फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो साबुन का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार पूंजी, ठीक है। इसके बाद प्रबंध अथवा संगठन। प्रश्न 22, बीमे की मुख्य समस्याएं लिखिए, कोई 4। तो बीमे की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है हानि ऐसी होनी चाहिए जिसका पूर्वानुमान संभव हो। बीमा कंपनी ऐसी जोखिम का बीमा नहीं करती जिसमें हानि का आकलन संभव नहीं होता। दूसरा, बीमित व्यक्ति की उन्हीं हानियों की भरपाई होती जो पॉलिसी में दर्ज होती है। जीवन बीमा अनुबंध जो निरंतरता पूर्ण होता है वह तभी तक मान्य है जब तक कि बीमा किस्तों का नियमित भुगतान होता रहता है। यानी जब तक आप बीमा पॉलिसी को अपना पैसा जमा करते रहते तभी तक ये लागू रहता है। यदि आपने बीच में पैसा देना बंद कर दिया तो आपका जो बीमा है वो हट जाता है। इसके बाद आगे देखिए, अन्य समस्याओं की दावा अस्वीकृति तथा उनके भुगतान में विलंब से जुड़ी है। यह बात चिकित्सा बीमा के संबंध में तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रश्न 23, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 13, 20, 40, 40, 13, 7, इसका अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए, ऐसे पहले क्रम से आपको जमा देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहला वाला लाइन को लिखेंगे, दूसरा वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 13 × 13, 2 × 2 = 4, 40 आ गया। 3 × 40 = 4, 3 × 12 = 120, 4 × 4 = 160, सबका गुणा करेंगे, इसको पूरा को जोड़ेंगे एक साथ। जोड़ने पर 134 आएगा। ये वाले कॉलम को पूरा जोड़ना है आपको, 441 आएगा। दोनों को भाग कर देंगे, 441 और बटा 134। भाग करने के बाद आपको एक निश्चित आंसर प्राप्त हो जाएगा, 3.2। इसके बाद है अथवा, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में 3 अंतर लिखना है। तो देख लीजिए, अंतर दिया हुआ है, गाइड से लिया उसको है ना। मौलिकता के आधार पर प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते है ना। संकलन व्यय, इनके संकलन में धन, समय, परिश्रम, योजना और बुद्धि का प्रयोग करना होता है। इन्हें केवल अन्य स्थान से उद्धत करना होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसमें संशोधन भी आवश्यकता होती है। प्रश्न 24 है, किसी वस्तु की व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करने का, अब व्यक्तिगत आपूर्ति यानी होता है हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मुझे साबुन की आवश्यकता है, तेल, चावल इत्यादि की आवश्यकता है। तो इसको क्या क्या कारक प्रभावित करता है। पहला, वस्तु की कीमत। भाई अगर बाजार में मुझे ज़्यादा कीमत पर आलू प्याज का कीमत, यदि टमाटर का रेट बढ़ जाए है ना, तो इससे ये मैं प्रभावित होऊंगा, मैं कम खरीदने के बारे में सोचूंगा या नहीं भी खरीदूंगा उसको। तो यही होता है, वस्तु की कीमत प्रभावित करता है अन्य वस्तुओं की कीमत। तीसरा, उत्पादक साधनों की कीमतें। ठीक, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा लागत लगा होता है तो ज़्यादा रेट में हमको देगा
तो हम उतने दाम में नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पादन की तकनीक का प्रभाव पूर्ति पर भी पड़ता है। बेहतर तकनीक अपनाने से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है, जिससे लाभ अधिक होने पर पूर्ति प्रभावित होता है। विक्रेता का लक्ष्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इनके आवश्यक तत्वों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 तत्वों को लिखिए। तो इस प्रणाली में सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी, केरोसिन, तेल, खाने का तेल आदि अपनी निश्चित कीमतों पर उचित दर की दुकान और बाजारों के जरिए बेचती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, आपने सरकारी राशन जो आपको मिलता है महीने का, चावल, दाल इत्यादि, है ना, ठीक है, यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। जिसे आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता से अभिप्राय सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता है। सरकार आम आदमियों को उचित मूल्य पर वस्तुओं को देता है। निश्चित मात्रा, व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रति व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए मात्रा निश्चित करते हैं। प्रत्येक परिवार की राशन कार्ड दिया जाता है। इस राशन कार्ड पर परिवार के सदस्यों की संख्या लिखी होती है। प्रत्येक परिवार उचित दर की दुकान से, है ना, अपनी संख्या के आधार पर लेता है। 25 स्वर्ण शहरी जयंती के व्याख्या कीजिए। तो स्वर्ण जयंती शहरी योजना का अंतर्गत जो रोजगार, जो बेरोजगार भाई लोग हैं उनको इसके द्वारा नौकरी दिया जाता है, स्वरोजगार उत्पन्न किया जाता है। बिजनेस, छोटे छोटे लघु उद्योग है ना, कुटीर उद्योग है इत्यादि को शहरी औरतों के लिए कार्यक्रम है, शहरी गरीबों के लिए प्रशिक्षण है, सामुदायिक विकास है, वेतन रोजगार कार्यक्रम है, ये सभी है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की व्याख्या कीजिए। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है, आपको स्मार्ट कार्ड जो दिया जाता है, यानी कि सस्ती कीमत पर अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज कराना, ये प्रमुख उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। यानी मेरे समझाने का मतलब ये है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने नहीं आ रहा है तो आप किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको लिख सकते हैं आसानी से। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ना। यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि कार्य करता है, नियोजित विकास है, जनसंख्या का भार है, तकनीकों का निम्न स्तर है, ये सभी को लिखना है। पूंजी निर्माण की दर है। एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। तो एकाधिकार का अर्थ होता है एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करना और बेचना, एकाधिकार होता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। एक फर्म, ऐसे बाजार का एक ही कंपनी एक ही फर्म होता है। ठीक, वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न न होना, एकाधिकार में उत्पादित वस्तु के निकट स्थानापन्न नहीं होते। निकट स्थानापन्न से अभिप्राय प्रयोग में आने वाली अन्य समान वस्तुओं से है, जैसे बिजली या जल आपूर्ति विभाग। कीमत निर्धारक, एकाधिकार अकेला विक्रेता होता है जो बाजार में अपनी कीमत का निर्धारण कर सकता है। नई फर्म के प्रवेश पर रोक, अगर कोई नया फर्म आता है तो उसे प्रवेश पर रोक लगाया जाता है। अधिकतम लाभ, इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। मांग आधिक्य किसे कहते हैं, मांग आधिक्य का वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांग आधिक्य का मतलब होता है जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ठीक, मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर की मात्रा पर प्रभाव, यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है और आपूर्ति पूर्ववत रहती है, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उसकी संतुलन कीमत तथा मात्रक मांग की मात्रा और आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि ला देती है। इसके बाद है, देखिए प्रश्न 27वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखे। तो इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी प्रमुख बैंकों का राजा है ना, सभी बैंक इनके द्वारा संचालित होता है। दूसरा है सरकार का बैंकर, ये जो है विभिन्न निजी और सरकारी कंपनियों को संचालित करता है। नोट निर्गमन का अधिकार, रिजर्व बैंक को जो है नोट बनाने का कार्य दिया जाता है, जैसे 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है, विदेशी मुद्रा कोष का ये संरक्षक कहलाता है। शाखा का नियंत्रण, इसमें शाखा का नियंत्रण भी होता है। द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व की व्याख्या करें। विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के एक बड़े विभाग का कार्य करते हैं, राष्ट्रीय अंश में अंश देते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं, आधिकारिक संरचना का सृजन करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन आंसर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक दसवीं का, सामाजिक विज्ञान हिंदी गृह विज्ञान सब अपलोड हो चुका है, उसको अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।